हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित। आज आपको बताऊंगा कि आप अपक्लाउड पर अपनी वेबसाइट कैसे होस्ट कर सकते हैं, या अपक्लाउड पे आप डब्ल्यू पैनल कैसे होस्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने आपको साइबर पैनल इंस्टॉलेशन का गाइड भी बता रखा है। ये दो पैनल होते हैं कस्टमाइज के, कि आप या तो डब्ल्यू पैनल इंस्टॉल कर लें या फिर साइबर पैनल इंस्टॉल कर लें। तो आज मैं आपको डब्ल्यू पैनल इंस्टॉल करके बताऊँगा कि आप, अगर आपने ये पूरा परचेज कर लिया, अब डब्ल्यू सर्वर क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट होस्टिंग के लिए, तो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू सर्वर लोकेशन मैं सिंगापुर की प्रेफर करूँगा। आप यूएसए या फिर कहीं की भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में है तो इंडिया की चूज करेंगे, जो आपकी इच्छा हो आप वहाँ का चूज कर लें। सिंगापुर की अच्छी आती है। मैं $5 प्लान के साथ जाऊँगा। यहाँ पे अपना प्लान सेलेक्ट कर लें जितना आपको डिस्क स्पेस चाहिए। तो मेरे को चाहिए 1 करोड़, क्योंकि सिर्फ बताना है आपको तो ये चाहिए। तो मैं $5 वाला प्लान ले लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं CentOS सेलेक्ट करूँगा। अभी आपको चाहें तो Ubuntu, Rocky, ये दो से भी सारे बेस्ट हैं, बट CentOS और Ubuntu मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी आपकी चॉइस है। उसके बाद लॉगिन मेथड में आप वन टाइम पासवर्ड का यूज़ लेंगे, क्योंकि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल आ जाएगा। तो मैं ईमेल पे आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। ये डिप्लॉय हो रहा है, ये हमारे पासवर्ड आ गए अपने। इसको मैं नोटपैड में रख लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि आगे काम आएंगे। उसको क्लोज कर देता हूँ। तो मेरा नया सर्वर था वो ये है CentOS का। दूसरा मेरा चल रहा है Ubuntu का, जिसको मैं वेबसाइट होस्ट है उसको मैं नहीं छेड़ रहा। तो आपको बताने के लिए मैंने ये किया। अब यहाँ पे ये IP मिल गया अपने को। अब क्या करना है आपको, एक सॉफ्टवेयर आता है पुट्टी, आपको अपने उसमें डाउनलोड कर लेना है PC के अंदर। मेरे पास ये पहले से है तो मैं डायरेक्ट पुट्टी ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो IP एड्रेस है आपको इसको कॉपी करना है। ये हो गया तैयार। तो IP को यहाँ से कॉपी करना है और पुट्टी के अंदर यहाँ पे होस्ट नेम के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं करना, इसको ओपन करेंगे, ये मांगेगा तो इसको हमें यस करना है, एक्सेप्ट करना है या यस कर देंगे। ठीक है, लॉगिन एज करना है रूट RWT, ठीक, और इंटर प्रेस कर देंगे। अब मांग रहे हैं हमसे पासवर्ड जो हमारे पास थे, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब पासवर्ड पेस्ट कैसे होंगे कि आपको माउस का सिर्फ राइट क्लिक करना है एक बार, तो ऑटोमेटिकली पासवर्ड पेस्ट हो जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, एक बार राइट क्लिक करना है माउस का और इंटर कर देना है। ये हो गया। अब ये हमें नया पासवर्ड के लिए बोल रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा हो आप नया पासवर्ड रिसेट कर लें एक बार, जो भी आपकी इच्छा हो। फिर वही, ये दोबारा दिखेगा नहीं बट वो हो रहा है। दोबारा एंटर करके मैं एक बार नया पासवर्ड बना रहा हूँ। और इतना काम होने के बाद पुट्टी ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, अब सेम वही चीज़ करनी है, फिर से अपने को वही IP डालना है यहाँ से। यहाँ पेस्ट करना है और ओपन कर लेना है। अब वही रूट पासवर्ड जो आपने नया बनाया था वो, तो मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को इंस्टॉल करना है डब्ल्यू पैनल, तो उसकी कुछ कमांड्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी कमांड्स मैं आपको लिख भी दूंगा कि किसके लिए क्या है। आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट की लिंक भी दे दूंगा। तो मैंने किया है CentOS का। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को करना है ये इंस्टॉल। इस कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर Ubuntu की है आपने तो ये वाली कमांड है, तो मैं ये करता हूँ क्योंकि मेरे काम की ये है। CentOS की है, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे यहाँ से और वही इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद
अब आपने को क्या करना है, दूसरी एक और कमांड है वो रन करनी है, उसके बाद बैस इंस्टॉल sh, ये कमांड है। आप चाहें तो इसको इंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको लिख के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। उसके बाद आपको जाना है यहीं पे और पेस्ट कर देना है और फिर से इंटर मार देना है। उसके बाद ये पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल wpanel, तो हम बोलेंगे यस, वाई पे वाई कर देंगे और इंटर दबा देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको SSL सर्टिफिकेट जो फ्री में देता है वो भी इंस्टॉल करना है, तो हम लिखेंगे yes, बिल्कुल करना है, तो इंटर कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली wpanel इंस्टॉल हो रहा है और ये टाइम लेगा 5 से 10 मिनट, तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को रोक देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इंस्टॉल होने दें। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर आप कोई और पैनल इंस्टॉल करें, जैसे आपका लिनक्स सर्वर था तो भी सेम कमांड है, और बाकी की कोई और थी जैसे Ubuntu है तो उसके लिए अलग कमांड है, तो वो एक बार देख लीजिएगा आप गूगल करके, या फिर मैं राइट भी कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और ये भी चल रहा है हमारा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक चलने देते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हो गया सक्सेस मेरा, 1 मिनट मेरे को 3-4 मिनट हो गए, तो आप ये बाद में आपको क्या दे देगा, यहाँ से आईडी पासवर्ड दे देगा, लॉगिन की डिटेल्स, सक्सेसफुली इंस्टॉल, और यहाँ पे wpanel की लॉगिन डिटेल अपने को दे देगा, तो अपने को यहाँ से कॉपी कर लेना है और सेव कर लेना है, रख लेना है कहीं पे भी, कि बाद में जिनको हम काम में लेंगे। तो ये URL है जहाँ पे अपने को cyberpanel मिलेगा, अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और मैं आपको cyberpanel ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको एडवांस पे क्लिक करेंगे एक बार और प्रोसीड कर देंगे, wpanel आ गया। उसके बाद आप अपने को यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम डाल दिया मैंने और पासवर्ड, और लॉगिन कर देंगे। उसके बाद ये लॉगिन हो गया हमारा पैनल wpanel। अब इसमें आप जो जो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मेल सर्वर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मेल भी सेंड कर सकते हैं, आप जो जो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, PHP है या पाइथन वाले हैं, MySQL है, अपाची है, जो आपकी इच्छा हो सब आप वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जस्ट वन क्लिक LAMP करना है या LNMP, तो मैं ये इंस्टॉल करने के लिए बोलूँगा आपको, मेल सर्वर भी इंस्टॉल, मेल भी यहीं से चले जाएंगे, तो आप वन क्लिक करें। अभी इंस्टॉल हो रहे हैं सारे, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, इनको इंस्टॉल होने दें प्रॉपर। इसी तरह से सेम आप क्लाउड हो, डिजिटल ओशन हो, या और भी जितने भी हैं क्लाउड सर्वर हैं, प्रोवाइडर हैं, उनमें आप wpanel इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ 2 कमांड चलानी है और इंस्टॉल। अब कितना लोड है, कितनी रैम है, सब आप अब wpanel में देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ये हमने 32% ये हमारी रैम ले लिया, 17% मेमोरी यूज ले ली इसने, 4.2 GB डाटा इंस्टॉल कर दिया, और CPU पूरा का पूरा यूज ले लिया वन कोर में, कुछ भी नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत ये चलेगा, रनिंग स्मूथली 50% है। तो इस तरह से ये इंस्टॉल हो गया, अब अपनी वेबसाइट आप यहाँ से होस्ट कर सकते हैं, वेब सर्वर सॉरी है नहीं, नोड प्रोजेक्ट है, PHP प्रोजेक्ट है, इस तरह से इग्नोस प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मॉनिटर ये सारा है। अभी कुछ चीज़ें मैंने इंस्टॉल नहीं की, बीच में रोक दी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, तो आप कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कमांड से भी जो चलाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो ये था इसका wpanel इंस्टॉलेशन गाइड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप अपने वेबसाइट पे wpanel होस्ट कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।